अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं माननीय सभापति राज्यसभा श्री जगदीप धनखड़ जी के शुभकामना संदेश पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी को। माननीय हरिवंश जी। भारत के उपराष्ट्रपति संदेश। भारतीय लोकतंत्र की अभूतपूर्व विकास यात्रा की इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घड़ी और गौरव क्षण में पूरे देश को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अपार खुशी है। हमारा मौजूदा संसद भवन आज़ादी मिलने से आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान बनने तक की ऐतिहासिक यात्रा का गवाह है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अमृतकाल के दौर में बना नया संसद भवन आगे भी हमारी तेज प्रगति का साक्षी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने से लेकर जनता की मूलभूत सभी जरूरतों की पूर्ति तक, देशवासियों को सशक्त बनाने से लेकर समग्र गरीबी उन्मूलन तक यह गौरवशाली भवन भावी दशकों के दौरान अनेक ऐतिहासिक पलों का अध्याय लिखेगा। नई संसद हमारी शाश्वत धाराओं का प्रतीक है। यह हमारी समृद्ध भारतीय वास्तुशिल्प परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रगति विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को सर्वोत्तम तरीके से आत्मसात करने की हमारी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां हमारे कर्मठ व प्रतिबद्ध श्रम शक्ति के अटल संकल्प को रोकने में विफल रहीं। यह भव्य देशज नई संसद गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के हमारे राष्ट्रीय संकल्प का भी प्रतीक है। मुझे बेहद खुशी है कि हमारी संसद का नया भवन भारतीय मूल्यों संस्कारों का प्रकाश स्तंभ है। इसमें हमारे मुल्क की विविधता, देश के हर कोने से लाई गई कलाकृतियां व मूर्तियां हैं जो भारतीय कला तथा संस्कृति की श्रेष्ठतम प्रदर्शनी के रूप में इसकी भव्यता में चार चांद लगाती है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं हसरतों की सुचारू पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही सनातन परंपराओं तथा श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मानकों के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। संसद का यह भवन देश के कोने कोने के भिन्न भिन्न श्रेष्ठ विचारों को प्रतिबिंबित करेगा। इनके बीच राष्ट्रीय सहमति बनाने की दिशा में इसका अमूल्य योगदान होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि संसद का नया भवन नीतियों और विधानों के माध्यम से देश के हाशिए के लोगों को विशेष तरजीह देते हुए सभी देशवासियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का सक्रियता से समाधान सुनिश्चित करेगा। इस तरह भारत की बुनियादी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगा। यह मुल्क लोकतंत्र का पालना है। दुनिया के सबसे पुराने और बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं के वैश्विक फैलाव और संरक्षण में सहायक रहा है। मैं आश्वस्त हूं कि सम्मान, महिमा, विज्ञान, महान संस्कृति का प्रतीक संसद का नया भवन लोकतंत्र को जीवंत रखने एवं सुदृढ़ करने की दिशा में हमारे सतत प्रयासों को पुनः नई ऊर्जा और बल देगा और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह कहते हुए मुझे अपार खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आजादी के बाद जन्म लेने वाले हमारे मुल्क के पहले प्रधानमंत्री हैं, इस शानदार भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संसद लोकतंत्र का मार्गदर्शक ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार है। संसद लोगों के जनादेश को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रामाणिक मंच है। किसी देश की नियति को दिशा देने में
इसकी निर्णायक भूमिका असंदिग्ध है और यह प्रजातंत्र का मूल मंत्र और सार है। तकनीकी रूप से सशक्त संसद निश्चित रूप से संसद सदस्यों को राष्ट्र की नियति को आकार देने के लिए अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को श्रेष्ठतम रूप से उजागर करने में सक्षम बनाएगी, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रस्फुटित करना सुनिश्चित करेगी, लोकतंत्र के मंदिर के रूप में संसद की उदात्तता को बढ़ाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि नया भवन भविष्य की भावी चुनौतियों के बीच भारत का पथ प्रदर्शक बनेगा, हमारी साझा उमंगों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को सार्थक और सशक्त दिशा देगा। हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का हस्ताक्षर, दिनांक 28 मई 2023 नई दिल्ली। शुभकामना संदेश हेतु माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आभार। आज के इस ऐतिहासिक समारोह को अपनी मंगल कामनाओं से अभिसिंचित करने हेतु भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रेरणादायी संदेश प्राप्त हुआ है। मैं माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के आशीर्वचन संदेश का पाठ करने की कृपा करें। राष्ट्रपति, भारत गणतंत्र, संदेश। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। बीते 7 दशकों के दौरान हमारी संसद अनेक परिवर्तनकारी विधायी प्रयासों की धूरी रही है। संसद ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जिनसे हमारे करोड़ों देशवासियों के जीवन को संवारना संभव हो सका है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा यह महत्वपूर्ण आयोजन हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण और विस्तार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह हमारे देशवासियों की सामूहिक आशाओं व आकांक्षाओं से आलोकित उज्ज्वल भविष्य की दिशा में हमारे राष्ट्र को अग्रसर करने की ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान के शिल्पकारों ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद के विधायी विवेक के आधार पर निर्मित होगा। इसलिए मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं।